बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री। आज हम करेंगे पेज नंबर 54 और 55 का बुक वर्क करेंगे। पेज नंबर 54 पे सबसे पहले है हमारी सरगर्मी 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। फर्स्ट पे है अजान में अल्लाह अकबर के अल्फाज कितनी मरतबा आते हैं, 6 पे टिक करेंगे। सेकंड पे है अजान का मतलब है ऐलान करना, इस पर टिक आएगा। थर्ड पे है फजर की अजान में किन अल्फाज का अजाफा है, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है, इस पर टिक आएगा। फोर पे है सबसे पहले मौज़ून कौन थे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस पर टिक आएगा। अब है सरगर्मी 3 हमारी, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। फर्स्ट पे ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज अजान में डैश मरतबा हैं, 3। सेकंड पे अजान देते वक्त डैश में उंगलियां रखी जाती हैं कानों, अजान कहते वक्त डैश को बुलंद रखें, आवाज़ को बुलंद रखें, ये खाली जगह हो गई। अब उसके बाद है हमारी सरगर्मी 4, नीचे दिए गए खानों में अजान के बारे में जो बातें दुरुस्त हैं उनमें सब्ज़ रंग भरें और गलत में जर्द रंग भरें। सबसे पहले है मशरिक़ की तरफ मुँह करना, इस पर येलो कलर आएगा क्योंकि यह अजान के बारे में दुरुस्त नहीं है। फिर है वज़ू करके अजान देना, इसमें ग्रीन कलर आएगा। हय्या अलस्सलाह कहते वक्त दाएं तरफ मुंह मोड़ना, इसमें भी ग्रीन कलर आएगा। अजान ठहर ठहर कर देना, ग्रीन कलर। अजान जल्दी जल्दी देना, येलो कलर, क्योंकि ये अजान के बारे में दुरुस्त नहीं है, अजान ठहर ठहर के दी जाती है। हय्या अलफलाह कहते वक्त दाएं तरफ मुँह मोड़ना, ग्रीन कलर नहीं आएगा, येलो कलर आएगा, क्योंकि हय्या अलस्सलाह कहते वक्त जो है वो दाएं तरफ मुँह मोड़ा जाता है और हय्या अलफलाह कहते वक्त बाएं तरफ मुँह मोड़ा जाता है। अजान को बहुत कम आवाज़ के साथ पढ़ना, येलो कलर। बैठकर अजान देना, इसमें भी है येलो कलर।